हेलो वेलकम टू समृद्धि एकेडमी तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास एलेवन अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर वन नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, है गाइस आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आइए हम समझते हैं कि दो तरह के नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेसीमल नंबर सिस्टम एंड दूसरा है क्या बाइंदी नंबर सिस्टम ये तो इस बार हमें क्या पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे बुक में इसका कैलकुलेशन इस बार है हमें ये पढ़ना है तो चलिए एक बार डेसिमल और बाइनरी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं तो अगर बाइन डेसिमल नंबर की बात की जाए तो डेसिमल नंबर हम जो नॉर्मल नंबर पढ़ते हैं और उसी को डेसीमल नंबर कहा जाता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इन सभी डिजिट्स को यूज़ करके डेसीमल नंबर बनते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है जे हम केवल दो ही डिजिट यूज़ करते हैं वो डिजिट कौन कौन सा है ज़ीरो एंड वन ज़ीरो एंड वन बस दो ही डिजिट लिया जाए लिया जाता है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में अब अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स की बात की जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने होते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल टेन काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ कितने हो जाते हैं टेन और यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं केवल ज़ीरो और वन तो बाइनरी नंबर में हम केवल ज़ीरो और वन के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपने कंप्यूटर में पढ़ रखा होगा कोडिंग के लिए यूज़ होते हैं ये नंबर सिस्टम इसके बाद है कि इसको लिखने का तरीका क्या है क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट टेन है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टेन लिखकर शो किया जाता है और अगर इधर देखा जाए अब अगर यहाँ पर देखा जाए इट इज़ रिटिन एज वन जीरो वन जीरो जीरो वन और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने टू क्यों लिख दिया टू क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने होते हैं दो केवल जीरो और वन का ही यूज़ करके हम इस बाइंड्री नंबर को बनाते हैं इसलिए यहाँ पर इसके बेस में आप टू लिख सकते हैं और अगर जीरो और वन की बात की जाए बाइंड्री डिजिट्स तो कहते हैं साथ में इसे बिट्स भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बिट्स या इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हैं बाइंड्री डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है ओके चलिए अब हम इसके कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी डिजिट्स को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता तो है सबसे पहले एट को हमने देखना है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको करना क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है और प्राइम फैक्टराइजेशन भी किससे करना है केवल टू से करना है तो जैसे इसका समझते हैं कि अगर एट है तो इसको हम बाइनरी नंबर में किस तरह से लिखेंगे आइए एट को फैक्टराइज करते हैं टू फोर जै एट रिमाइंडर कितना बच गया तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया कितना ज़ीरो टू टू या फोर रिमांडर कितना बच गया कुछ नहीं ज़ीरो टू वन या टू रिमाइंडर कितना बच गया ज़ीरो ठीक है अब अगर हमें एट को रिप्रेजेंट करना है कि एट हमारे पास कैसा नंबर सिस्टम है तो एट हमारे पास डेसिमल है इसलिए हमने इसमें टेन लगा दिया इसका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हुआ तो हमने फैक्टराइज कर लिया है इस तरह को अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पहले हमने वन को लिखना है फिर ज़ीरो 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 और इसके बेस में हमने क्या लिख दिया टू क्यों क्योंकि बाइनरी बाइनरी नंबर जो होता है वो हो केवल ज़ीरो और वन से मिलकर बनता है इसलिए हमने बेस में यहाँ पर टू लिख दिया है क्लियर है इतना ओके चलिए ये क्लियर है तो नेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को अब अगर हम 12 को फैक्टराइज करें सबसे पहले तो इस तरह का एक टेबल बना लेना है क्या करना है टू सिक्स या पूरी तरह से कट गया रिमाइंडर क्या बचा जीरो टू थ्री या सिक्स पूरी तरह से कट गया रिमाइंडर क्या बचा जीरो टू वन या टू अभी यहां पर रिमाइंडर बच गया कितना वन ओके okay, रिमाइंडर कितना बच गया वन फिर हमने क्या करना फिर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे पहले इसको फिर इन तीनों डिजिट को यानी कि आपके पास टूवेल है क्या बाइनरी नंबर इसका कन्वर्जन करेगा क्या वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो बेस में क्या लगा दिया हमने टू हो गया ये कन्वर्जन ओके चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एट का हमने कितना निकाला था तो एट का निकाला था वन जीरो 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 टू द बेस्ट टू ट्वेल्व का हमने कितना निकाला वन वन जीरो जीरो टू ओके चलिए अब सिक्सटी थ्री का इसी तरह से निकालते हैं हम लोग सिक्सटी थ्री का निकाला जाए सिक्सटी थ्री टू से टू थ्री जा सिक्स टू वन जा टू रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच गया वन बच गया चलिए फिर टू वन जा टू एंड टू फाइव जा टेन रिमाइंडर कितना बच गया वन बच गया टू सेवन जा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन रिमाइंडर वन बच गया टू थ्री जा सिक्स रिमाइंडर वन बच गया टू वन जा टू रिमाइंडर यहाँ भी वन बच गया और ये हो गया समाप्त अब फिर से हमें क्या करना है यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 63 हमारा था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में लिखेंगे सबसे पहले इधर फिर इस तरह से बढ़ेंगे वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बेस में क्या सॉरी टेन नहीं टू चलिए हो गया करेक्ट है ओके okay. तो हमने इसका भी कन्वर्ट कर दिया इसका हमने क्या लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आ चुका है हमारा इसका आंसर अब हम करते हैं फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन को कन्वर्ट आइए फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन सबसे पहले टू से टू टू और रिमाइंडर इधर लिखते जाएंगे हम यहाँ पर टू टू जै फोर टू एट जे सिक्सटीन और टू फोर जहा एट ये बच गया टू वन जै टू टू फोर जहा एट टू टू जै फोर टू सेवन जे फोरटीन टू वन जो टू सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था ना ज़ीरो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा ज़ीरो फिर टू थ्री जे सिक्स टू फाइव जै टेन एलेवन फिर टू वन जहा टू टू सेवन फोर्टीन और ये फिफ्टीन टू एट जा सिक्सटीन सेवेंटीन टू फोर एट ज़ीरो टू टू जहा फोर ज़ीरो एंड लास्टली टू वन जा टू रिमाइंडर क्या ज़ीरो ओ ओ एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन हाँ ओके okay. फिर हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इस वन से लिखना स्टार्ट करेंगे जीरो जीरो चलिए लिखना स्टार्ट है करते हैं तो हमारे पास नंबर था क्या 569 जो कि एक डेसिमल नंबर है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में और लिखना स्टार्ट करेंगे कहाँ से यहाँ ये यह नीचे पोर्शन से तो हम लिखेंगे क्या वन ट्रिपल ज़ीरो एक दो तीन फिर ट्रिपल वन एक दो तीन फिर डबल ज़ीरो फिर वन ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर में ओके okay? काफ़ी इजी है समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को yes. तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इससे पहले हमने ये समझ लिया कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ओके okay? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अभी कुछ देर पहले हमने इन्हीं नंबरों को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था अब इन्हीं को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये डेसिमल नंबर हम ला पाते हैं या नहीं चलिए बहुत ही ईजी है जैसे सबसे पहले हमारे पास नंबर दिया हुआ है वन थाउजेंड यानी कि ये ये कैसा नंबर है बाइनरी नंबर इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है चलिए देखते हैं किस तरह से किया जाता है सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है वन थाउजेंड इसको हम लिखेंगे क्या टू का पावर ज़ीरो टू का, 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 okay. का, का पावर वन टू का पावर टू और ये टू का पावर थ्री ओके इतना समझ में आया टू का पावर जीरो टू का पावर वन टू का पावर टू और टू का पावर थ्री यहाँ पर नंबर क्या है ज़ीरो सात में ज़ीरो इंटू कर दीजिए यहाँ पर नंबर क्या है ज़ीरो सात में ज़ीरो इंटू कर दीजिए यहाँ पर नंबर क्या है ज़ीरो साथ में ज़ीरो इंटू कर देंगे यहाँ पर नंबर क्या है वन साथ में वन इंटू कर देंगे अब इन सभी को प्लस कर देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू का पावर थ्री कितना होता है तो टू का पावर थ्री होता है एट एट इंटू वन क्या एट टू का पावर टू कितना फोर इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो तो हमारे पास नंबर क्या आया एट तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कितनी आसानी से ओके okay? ईजी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमको यहीं से करना है राइट हैंड साइड से लिखें टू का पावर जीरो टू का पावर वन टू का पावर टू टू का पावर थ्री और ये जो नंबर है जहाँ पर ज़ीरो है ज़ीरो से इंटू ज़ीरो से इंटू ज़ीरो से इंटू और जहाँ पर वन है वहाँ पे वन से इंटू करा देना है काफ़ी ज़्यादा आसानी है अब ये तीनों तो ऐसे ऐसे ही ज़ीरो हो जाएंगे बचा हमारे पास क्या केवल टू का पावर थ्री इंटू में वन तो वो होता है एट तो हमने ये सॉल्व कर दिया नेक्स्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट हमारे पास वन वन ज़ीरो ज़ीरो ये भी एक बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम क्या टू का पावर जीरो इंटू में वन ओके okay? आप चाहे तो इधर से भी स्टार्ट करते थे ज़ीरो वन टू थ्री यानी इसको लिख सकते हैं हम टू का पावर थ्री इंटू में वन इसको क्या लिखें ज़ीरो वन टू यानी कि प्लस टू का पावर टू ज़ीरो वन टू टू में वन फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ये इसके लिए लिखा ये हमने इसके लिए लिखा इसके लिए क्या लिखेंगे टू का पावर वन इंटू में जीरो प्लस टू का पावर ज़ीरो इंटू में भी ज़ीरो अब ये तो ज़ीरो हो गया ये भी ज़ीरो हो गया ये कितना बच गया ये तो और ये हो गया पहले इसको दे टू का पावर 8 एट और ये कितना फोर प्लस में जीरो प्लस में जीरो इज इक्वल टू टूवेल्व सॉल्व हो गया ओके चलिए लास्ट कन्वर्ट करते हैं काफ़ी इजी है समझ में आ जाएगा तो हमने क्या करना है लास्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एक बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसके लिए काउंट करते हैं वन टू थ्री सॉरी वन से नहीं ज़ीरो से काउंट करना है ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ज़ीरो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव फिर से ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो इसके लिए लिखेंगे क्या चलिए मैं इसको थोड़ा तो खोल देता हूँ इसके लिए लिखेंगे हम टू का पावर फाइव इंटू वन इसके लिए लिखेंगे हम टू का पावर फोर इंटू वन इसके लिए लिखेंगे हम टू का पावर थ्री इंटू वन इसके लिए लिखेंगे हम टू का पावर टू इंटू वन इसके लिए लिखेंगे टू का पावर वन इंटू वन और लास्ट इस नंबर के लिए लिखेंगे हम टू का पावर ज़ीरो इंटू वन ओके अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग टू का पावर फाइव इंटू वन प्लस टू का पावर फोर इंटू वन प्लस टू का पावर थ्री इंटू वन प्लस टू का पावर टू इंटू वन प्लस टू का पावर वन इंटू वन प्लस टू का पावर ज़ीरो इंटू वन ओके टू का पावर फाइव कितना होता है तो टू का पावर फाइव होता है थर्टी टू थर्टी थर्टी टू देन टू का पावर फोर कितना होता है तो टू का पावर फोर होता है सिक्सटीन टू का पावर थ्री होता है एट टू का पावर टू होता है फोर टू का पावर वन होता है टू और प्लस में टू का पावर जीरो हमेशा क्या होता है वन होता है वन इन टू वन वन चलिए इन सभी को ऐड कर देते हैं बत्तीस साठ चालीस दस पचास और ये साठ और ये तीन तिरसठ यानी हो गया टोटल कितना सिक्सटी थ्री हमारे पास आ गया हो गया सॉल्व तो हमने देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में 63 को कन्वर्ट किया था इसमें यानी कि डेसिमल से बाइनरी में गए थे और इस वाले क्वेश्चन में हमने इस बाइनरी नंबर को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया काफ़ी इजी टॉपिक है इस आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा ओके okay? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं प्लीज़